दोस्तों आप में से काफ़ी लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई कस्टमाइजेशन आप अपलोड करते हो बट यार थीम्स की वीडियोस भी अपलोड किया करो। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए वापस से दो ऐसे थीम्स लेके आया हूँ जो कि एकदम अल्टीमेट थीम्स है। यहाँ पे आपको मिनिमल लुक मिल जाएगा, साथ ही कंट्रोल सेंटर भी आपके सामने चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी और न्यू वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हमारी फर्स्ट नंबर की थीम के बारे में। होम स्क्रीन डिजाइन आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट टाइप का एक वॉलपेपर मिल जाता है एंड साथ ही यहाँ पे आप क्लॉक विजिट को देखोगे तो अल्टीमेट आपको यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने टेम्परेचर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये वाली विजिट मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई एंड यहाँ पे आप आइकन्स को देखोगे तो न्यू आपको यहाँ पे ग्रे एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा एंड कंप्लीट सिस्टम आइकन्स एंड जो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं वो कंप्लीट चेंज हो जाएंगे। साथ ही ये वाली थीम आप लाइट मोड एंड डार्क मोड दोनों में यूज कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर की बात करें वो आपको एकदम अल्टीमेट मिल जाएगा। बैकग्राउंड आपके सामने ब्लर हो जाता है, साथ ही यहाँ टोंगल्स को देखोगे तो वो भी आपके सामने कंप्लीट चेंज हो जाएंगे एंड न्यू आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएगा। साथ ही नोटिफिकेशन सेंटर की बात करें तो आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा बट आपको यहाँ पे जो टॉप में नेटवर्क्स बार देखने को मिलता है वो एकदम अल्टीमेट लुक देता है। साथ ही यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का आइकन भी फुल चेंज हो जाता है एंड बात करें यहाँ पे सेटिंग वाई के बारे में तो यहाँ पे भी आपको न्यू वॉलपेपर मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपके सामने जो फॉन्ट होती है वो भी फुल चेंज हो जाती है एंड यहाँ पे भी आपको न्यू टोंगल्स मिल जाएंगे। एंड वॉल्यूम बार की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्मल सा व्यू मिल जाएगा बट आप जैसे टैप करोगे आपके सामने फुल टोंगल्स चेंज हो जाएंगे एंड न्यू आपको यहाँ पे डिजाइन मिल जाएगी। साथ ही वॉल्यूम बार से क्रिएटिव फीचर आपको यहाँ पे डायलर कीपैड का मिल जाएगा। ये वाली थीम यार फुल आपको चेंज देखने को मिल जाएगी, न्यू आपको यहाँ पे फॉन्ट मिल जाती है, साथ ही कीपैड भी आपके सामने चेंज हो जाता है। एंड बात करते हैं लास्ट फीचर के बारे में, वो इसका लॉक स्क्रीन। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। ये वाली आपको होम स्क्रीन में जो विजिट मिलती है उससे थोड़ा सा आपको चेंज करके दिया जाता है एंड टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, साथ ही वॉलपेपर आपके सामने फुल चेंज हो जाता है। एंड अब बात करें थीम को डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, थीम स्टोर पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाला नेम सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, कुछ इस टाइप से टाइप करना है, आपके सामने ये वाली थीम ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप क्रिएटर का नेम भी देख सकते हो। 60 MB की आपको ये वाली थीम मिल जाती है। इस थीम को आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। साथ ही बात करते हैं हमारी सेकंड नंबर की थीम के बारे में, ये आपको और भी क्रिएटिव मिल जाएगी। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट टाइप का एक वॉलपेपर मिल जाता है एंड क्वालिटी वॉलपेपर की एकदम अल्टीमेट है। यहाँ पे आपके सामने न्यू क्लॉक विजिट भी मिल जाती है जो कि फुल चेंज हो जाती है। साथ ही यहाँ पे आप आइकन्स को देखोगे तो न्यू आपको यहाँ पे डिजाइन मिल जाएगी एंड कंप्लीट सिस्टम आइकन्स एंड जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं वो फुल चेंज हो जाएंगे। एंड बात करें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के बारे में, ये भी आपके सामने फुल चेंज हो जाएगा, आपको यहाँ पे न्यू डिजाइन मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है बट आप इनको ऑन करोगे ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएंगे। साथ ही कंप्लीट आपके सामने वॉलपेपर भी चेंज हो जाता है। एंड बात करें नोटिफिकेशन सेंटर के बारे में, तो आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। टॉप में आपको जो नेटवर्क्स बार देखने को मिलता है वो भी फुल चेंज हो जाता है। एंड बारी आती है सेटिंग वाई के बारे में बात करने की, तो आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो आपको सेटिंग मिलती है वो iOS से इंस्पायर है। यहाँ पे आपके सामने फॉन्ट भी चेंज हो जाती है, साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड बात करें वॉल्यूम बार के बारे में, तो वॉल्यूम बार भी आपके सामने फुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो टोंगल्स मिलते हैं वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं एंड इस थीम में भी आपको डायलर कीपैड फुल चेंज मिल जाएगा, न्यू आपको यहाँ पे विजिट मिल जाएगी। साथ ही बात करते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में, तो लॉक स्क्रीन को आप जैसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने सेम वॉलपेपर मिल जाता है, ये वाली विजिट भी यहाँ पे चेंज हो जाती है एंड यहाँ पे आप जैसे राइट साइड में स्लाइड करोगे आपके सामने कुछ टोंगल्स ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपको सामने न्यू टोंगल्स में मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपके सामने कुछ और भी फीचर्स मिल जाएंगे जिनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। एंड ये वाली थीम भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। इस थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल थीम स्टोर एपीके ओपन करना है एंड आपको ये वाला नेम सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, कुछ इस टाइप से टाइप करना है, ये वाली थीम आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप क्रिएटर का नेम भी देख सकते हो एंड ये वाली थीम आपको 38 MB की मिल जाती है। तो दोनों थीम्स आपको थीम स्टोर पे मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।